इतना टेस्ट आप लोग मत लो मेरा मेरी। गुड आफ्टरनून बच्चे, आज जो कविता पढ़ाने जा रहे हैं, बैठो बैठो सभी, आज जो कविता पढ़ाने जा रहे हैं वो कविता का नाम है कभी हार नहीं होती, मतलब इसके आगे है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इस कविता का कवि है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पे मैं लिखी हुई हूँ, देख सकते हैं आप, कवि का परिचय है यहाँ, उनका जन्म लिखा है, आप पढ़ सकते हो। 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के नज़दीक प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में हुआ था। उनका शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई और उसके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में एमए किए और उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी पूरी की। ठीक है, उनको क्या क्या सम्मान सब मिले, उनको बहुत सारे सम्मान मिल चुका था, जैसे कि सीवियर लॉर्ड नेहरू पुरस्कार, एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमला पुरस्कार और सारस्वत सम्मान भी मिला था। और उनको 1976 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। उनका निधन कब हुआ, उनका निधन 18 जनवरी 2003 को मुंबई में निधन हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम थोड़ा विषय वस्तु में या कविता में आते हैं, जिसका नाम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या लिखे हैं, एक स्टांजा पढ़ती हूँ, एक पैराग्राफ, उसके बाद समझाते जाऊंगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। किताब को देखो सभी, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पर कवि हरिवंश राय क्या बताने के लिए कोशिश किए हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगर हमको लहरों से डर लगेगा, पानी से डर लगेगा, तो क्या नौका बहा सकते हैं समुद्र में? नहीं कर सकते हैं। तो इस समुद्र में नौका बहाने के लिए हमको पानी में उतरना है, लहरों से डटकर सामना करना है, तब जाके हमारा नाव आगे चल सकता है। ठीक है, वैसे ही एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर एक दीवार पर चढ़ने के लिए कोशिश करता है तो क्या होता है, वो बार बार नीचे फिसलता रहता है, फिर भी वहाँ पर उसका आत्मविश्वास खत्म नहीं होता है। ठीक है, वो बार बार कोशिश करता रहता है, प्रयत्न करता है और फिर दीवार को पार कर जाता है। वैसे ही जब हमारे जीवन में कुछ संघर्ष आएंगी तो हम तब क्या करना है, हमारा आत्मविश्वास को और बढ़ाना है और प्रयत्न करना है और डट कर वो संघर्ष को या प्रॉब्लम्स को सामना करना है, तब जाके हम जो सारे प्रॉब्लम्स या संघर्ष आएंगी हम उसको पार कर सकेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ में कवि यह कहना चाहते हैं कि नन्ही चींटी दाना लेकर जब दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है तब 100 बार फिसलती है, मगर वो हार नहीं मानती, लगातार कोशिश करती रहती है और दीवार पार कर जाती है। ठीक उसी प्रकार हमें जीवन में आने वाले संघर्ष से डर कर भागना नहीं है, लगातार प्रयासों के साथ मुकाबला कर जीत हासिल करनी चाहिए, अपनी आत्मविश्वास नहीं खोना है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, असफलता के बाद सफलता क्या होता है, जरूर आता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा में आप देखो, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौटकर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उस चाह इस हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पद्य का क्या अब अर्थ है, देखो, डुबकियां सिंधु में गोताखोर किसको बोलते हैं, जो समुद्र में डुबकी लगाकर कुछ समुद्र से वो जो अमूल्य संपत्ति है उसको निकालने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गोताखोर जब पानी में डुबकी लगाता है, ऐसा नहीं कि एक बार डुबकी लगा दिया और कुछ मिल गया, उसको हासिल हो गया, ऐसा नहीं होता है, तो बार बार कोशिश करता है, एक बार गया, दो बार गया, फिर कोशिश किया, फिर प्रयत्न किया, आत्मविश्वास नहीं खोया, तो फिर एक बार उसको कुछ हासिल जो होना है हो ही जाता है। जैसे गोताखोर गहरे पानी में मोती ढूंढने के लिए डुबकी लगाती है और पर कई बार वो असफल होकर खाली हाथ लौट जाता है,
तो लेकिन अगली बार वो दुगने वापस लौट आती है। तो इस तरह कोशिश हमेशा सफलता तक पहुंचाती है। अगर हम कोशिश करेंगे, लगातार कोशिश करेंगे, तो सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। नहीं तो फिर अभी देखो नेक्स्ट, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। तो जब जीवन में असफलता मिलती है ठीक है, तो उसको हम सोचेंगे कि सफलता बहुत ही नज़दीक आ गया है, ये सोच के हम आगे जाना है। ठीक है, तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। जीवन में अगर असफलता आता है तो उसको साहस स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्यों असफलता मिली इसके ऊपर ध्यान दो, क्यों मिला इसको छोड़ो, क्यों मतलब असफलता क्यों हुई, क्या कमी रह गई उसको सोचो, ध्यान दो और सुधारने के लिए कोशिश करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक यहाँ पर हम सफलता नहीं मिले तो यहाँ पर नींद और चैन मतलब सारे मौज मस्ती यहाँ पर खत्म और सीरियस हो जाने की बात होती है। तो संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कभी यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन ये बोलते हैं कि संदेश देते हैं कि असफलता एक चुनौती है, हमें हर्ष से स्वीकार करना चाहिए, खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। जीवन है तो संघर्ष है ही, तो खुशी से उसको स्वीकार करना चाहिए। काम में यदि कोई कमी रह गई तो उसको ढूंढ कर सुधार करना चाहिए। जब तक असफलता नहीं मिलती तब नींद और आराम जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक नींद और आराम का त्याग कर देना चाहिए। सफलता प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इस संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ किए बिना कभी भी किसी के जय जयकार नहीं होती, कभी भी बिना कारण बिना परिश्रम किसी का जय जयकार नहीं होती है। तो इस तरह कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आज के लिए बस इतना।